इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक आज है। सीएम नीतीश कुमार भी मुंबई में बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 1:45 पर बैठक के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुंबई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई बड़े नेता आज बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त है। मुख्यमंत्री भी दोपहर रवाना हो जाएंगे मुंबई के लिए। 1:45 पर यहां से रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि मुंबई में आज तमाम नेताओं के साथ ये मीटिंग और जिसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है, और नीतीश कुमार भी यानी मुख्यमंत्री भी आज मीटिंग में पहुंचेंगे। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और देश के तमाम जो दूसरे नेता हैं वो सभी पहुंच चुके हैं। खबर ये भी है कि आज ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होंगी, हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी पहले से मुंबई में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तीनों मौजूद रहेंगे। उत्कर्ष हमारे साथ योगी जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, पूरी जानकारी क्या है, मुख्यमंत्री कितने बजे रवाना होंगे यहां से? और बिल्कुल संजय, देखिए करीब 1:45 का वक्त बताया गया है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। विपक्ष की तीसरी बैठक जो है वो आज होनी है। आज और कल दो दिन तक जो विपक्ष की बैठक है वो होनी है। इसको लेकर नीतीश कुमार लगातार चर्चा में इसलिए भी रहे हैं क्योंकि अगर विपक्ष को एकजुट करने की बात की जाए तो नीतीश कुमार की एक अहम भूमिका है विपक्ष को एकजुट करने में। और ऐसे में नीतीश कुमार आज करीब 1:45 का वक्त ये बताया गया है जब नीतीश कुमार महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। कई कार्यक्रम जो है वो महाराष्ट्र में होने, अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो आज शाम को तमाम जो गेस्ट हैं वहां पहुंचेंगे मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में, जहां पर उन्हें रखा जाएगा। और साथ ही साथ शाम को, रात को एक डिनर की भी व्यवस्था की गई है जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ कल सबसे पहले फोटो सेशन होगा, उसके बाद करीब 11 से 1 का वक्त दिया गया है जब इंडिया लोगों को अनवील किया जाएगा, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और दोपहर में लंच के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जहां पर वो तमाम बातें बताई जाएंगी कि विपक्ष की बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हुई है, किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है। हालांकि संयोजक की बात अभी भी बरकरार है, संशय बरकरार है कि किन्हें संयोजक बनाया जाएगा। लेकिन इस बीच एक ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार जाएंगे विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ 1:45 का वो वक्त बताया गया है जब नीतीश कुमार पटना से महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। संजय, बिल्कुल 1:45 का वक्त बताया गया है, लेकिन खबर है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी तो पहले वहां पहुंच चुके हैं, नीतीश भी पहुंचेंगे। क्या ये मान लिया जाए कि वाकई में आज जो अब तक संकेत मिल रहे हैं, नीतीश कुमार की भूमिका असल में इसमें कोई बड़ी होने जा रही है? अब बिल्कुल संजय, देखिए इससे पहले अगर विपक्ष की पहली बैठक की बात की जाए तो वो बिहार में हुई है, राजधानी पटना में हुई है। और कहा जा सकता है कि विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तमाम जगहों पर खुद जाकर उन्होंने नेताओं से मुलाकात की है, तो कहीं ना कहीं एक नीतीश कुमार की भूमिका जो है इस विपक्ष की बैठक में वो काफ़ी अहम होती है। लेकिन क्या इस भूमिका को तमाम पार्टियाँ सहराती हैं? क्योंकि अगर जहाँ पर एक तरफ महाराष्ट्र में संयोजक की बात अगर होती है तो पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है कि 11 की कमेटी बनेगी और उसका हेड एक व्यक्ति होगा। क्या उस 11 कमेटी के सदस्य में नीतीश कुमार का नाम होता है या फिर उसके जो हेड होते हैं वो नीतीश कुमार होते हैं? कई बातें हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पहले ही साफ कह दिया। बिल्कुल सही उत्कर्ष, आपने कहा कुल मिलाकर देखिए बड़ी भूमिका इसलिए हो जाती है क्योंकि नीतीश कुमार के सहयोग की वजह से या फिर कोशिश की वजह से यह पूरा जो तमाम नेताओं का जमावड़ा यह संभव हो पाया था। उसके बाद नीतीश कुमार आज पहुंचने हैं, चूंकि संयोजक को लेकर वो भी कह चुके हैं कि हमें नहीं बनना है, लेकिन जो उम्मीदें हैं वो तमाम नेताओं की यही हैं कि नीतीश को बनाया जा सके या बनाया जाए, हो सकता है बड़ी भूमिका में आपको दिखाई दें, क्योंकि आज मीटिंग है, मंथन के बाद ये बातें साफ हो जाएंगी। धन्यवाद उत्कर्ष इस पूरी तमाम जानकारी के लिए।